गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा? ठीक सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या आज आप रेडी हो स्टोरी सुनने के लिए? यस सर। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम सिक्स ग्रेड में हमारी एक बुक है जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग है, और इस बुक में डिफरेंट स्टोरीज हैं। यस सर। और एक्चुअली स्टोरी के थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम किया गया है। यस सर। और हमने इस बुक में से पहली स्टोरी जो है उसको डिस्कस किया, और आपको याद है कि वो स्टोरी क्या थी? यस सर। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। स्टोरी का नाम था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये दो बर्ड्स की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं ये दो बर्ड्स की कहानी। यस सर। कहा जाता है कि एक जंगल में एक मदर बर्ड रहती थी और उसके टू यंग वंस थे। एक मदर बर्ड थी और दो और बच्चे दो उसके यंग वंस थे, दो बच्चे थे उसके। और मदर बर्ड ने, क्योंकि ये एक जंगल में रहते थे, जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, घास होती है, हरी हरी घास होती है, या जंगल में से दरिया भी बहते हैं। तो जंगल का क्या आपको खूबसूरत नजारा आपके जहन में आ गया? तो इस जंगल में मदर बर्ड ने एक टॉल ट्री पर एक खूबसूरत सा क्या बनाया था? नेस्ट बनाया था, और उस नेस्ट में ये दो यंग वंस रहते थे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से जंगल में तूफान आ गया, तेज हवा चली। यस सर। जंगल में तेज हवा चली, तेज बारिश हुई। तो इस तेज हवा और तेज बारिश से क्या हुआ कि जंगल के बहुत सारे दरख्त गिर गए, टूट गए, गिर गए। तो एक बड़ी ब्रांच गिरकर इस नेस्ट पर गिर गई, एक बड़ी ब्रांच इस ट्री की कट गई, और किस पर गिर गई? गिर गई नेस्ट पर गिर गई। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जो मदर बर्ड थी उसकी इस ब्रांच से क्या हो गई? डेथ हो गई, क्योंकि जो नेस्ट था वो टूट गया। यस सर। और मदर बर्ड जो थी उसकी डेथ हो गई, और जो दो यंग वंस थे, एक तो एक डायरेक्शन में जाकर गिरा और दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जाकर गिरा, लेकिन दोनों बर्ड्स बच गए। दोनों बर्ड्स बच गए। एक बर्ड एक केव के सामने जाकर गिरा, और दूसरा बर्ड एक आश्रम में जाकर गिरा, और उस आश्रम में एक ऋषि रहता था, तो वो वहां जाकर गिरा। और जब वक्त गुजरता गया तो दोनों यंग वंस जो थे वो क्या होने शुरू हो गए? बड़े बड़े। वो बड़े होने शुरू हो गए। एक दिन क्या हुआ कि इस इलाके का जो किंग था वो जंगल में शिकार के लिए गया। वो जंगल के लिए शिकार के लिए गया, और उसने जंगल में एक हिरन देखा। उसने जंगल में हिरन देखा। हिरन ने भागने की कोशिश की और बादशाह उसके पीछे लगा। पीछे उसने उसका पीछा किया, उसका पीछा किया घोड़े का, और दोनों जंगल के बहुत अंदर चले गए। इतने अंदर चले गए कि हिरन तो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन बादशाह जंगल का रास्ता भूल गया, क्योंकि जंगल में ये एहतमाल रहता है कि अगर हम जंगल के बीचों बीच चले जाएं तो फिर जंगल का रास्ता इंसान भूल जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ एक जैसा नजर आता है। यस सर। तो जब बादशाह जंगल का रास्ता भूल गया तो वो उसने अब कोशिश की जंगल से बाहर निकलने की, और बाहर निकलने की कोशिश में वो एक गुफा के पास पहुंचा, केव के पास पहुंचा। यस सर। और वहां उसने एक सायादार दरख्त देखा, और उसके नीचे उसने थोड़ा आराम करने की कोशिश की। वो अपने घोड़े से उतरा और दरख्त के नीचे आराम के लिए बैठ गया, क्योंकि बादशाह काफी थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था। यस सर। जो ही वो दरख्त के नीचे बैठा तो दरख्त के ऊपर एक बर्ड था, और उस बर्ड ने ये कहा कि हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, इससे इसका घोड़ा छीनो, इससे इसके कपड़े छीन लो, जो कुछ भी इसके पास है वो इससे, इसका सोना छीन लो, जल्दी करो, जल्दी करो, हरी अप। जब बादशाह ने ये सुना तो वो फौरन दोबारा से अपने घोड़े पर बैठकर यहां से भाग गया, और उसने अपने आप को बचा लिया। अब भागते 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 वो एक आश्रम के करीब पहुंचा,
और उसने सोचा कि अब मैं आश्रम में दाखिल हो जाऊंगा और वहां जाके कुछ आराम करूंगा या कुछ खाऊंगा ताकि ये जो मैं टायर्डनेस फील कर रहा हूँ, थकान फील कर रहा हूँ, मैं इस थकान से थोड़ा बहुत इससे बाहर आ जाऊं। तो वो आश्रम में गया, वहां भी उसने एक सायादार दरख्त देखा और उसके नीचे बैठ गया। जो ही वो उसके नीचे बैठा तो उसके दरख्त के ऊपर भी एक बर्ड था और उस बर्ड ने उसे क्या कहा? वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, वेलकम, आइए आश्रम में आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए और कमरे में कुछ देर के लिए रेस्ट कीजिए ताकि तब तक ऋषि भी वापस आ जाए, क्योंकि उसको ये लगा कि शायद वो ऋषि के साथ मिलने के लिए आया हुआ है। तो बादशाह ने आराम किया, पानी पिया, खाना खाया, रेस्ट किया और कुछ देर के बाद वो ऋषि वापस आया और बादशाह और ऋषि के दरमियान जब बातचीत हुई तो बादशाह ने उसे बोला कि इससे पहले मैं एक गुफा के पास आराम के लिए बैठा था, वहां भी ऐसा ही बर्ड दरख्त पर था, बिल्कुल इस जैसा, लेकिन मुझे वहां ये लगा कि ये लोग मुझे लूटने वाले हैं, तो मैं फौरन वहां से भाग गया और यहां जब आया तो यहां भी वैसा ही बर्ड दरख्त पर था, लेकिन उसने मेरा वेलकम किया, मुझे पानी ऑफर किया, मुझे फूड ऑफर किया और मुझे रेस्ट करने के लिए कहा। तो मैं हैरान हूं कि दोनों बर्ड्स एक जैसे हैं लेकिन दोनों का काम डिफरेंट है। तो ऋषि ने बादशाह से कहा कि एक्चुअली ये दोनों आपस में क्या लगते हैं, भाई। ये चूंकि ये एक बार तूफान आया जंगल में और उनकी मदर की डेथ हो गई और वो सेपरेट हो गए, वो एक गुफा के पास जाकर गिरा और वहीं रहने लगा, और ये बर्ड कहाँ गिरा? आश्रम। और ये तब से यहीं रह रहा है। वहां गुफा में कौन लोग रहते हैं? रॉबर्स रहते हैं, डाकू रहते हैं। उसने वही कुछ सीखा जो वो डाकू लोग और रॉबर्स करते हैं। उस बर्ड ने वही लैंग्वेज सीखी, वही बिहेवियर सीखा जिस एनवायरनमेंट में उसने रहना शुरू किया। और जो बर्ड आश्रम में जाके गिरा उसने आश्रम की जबान देखी, सीखी, उसने आश्रम का बिहेवियर पिक किया, आश्रम में कैसे किसी के साथ बात की जाती है, कैसे सर्विस की जाती है लोगों की, तो इस बर्ड ने यही सीखा। तो इस स्टोरी से हमें ये लर्निंग मिलती है, हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जिस कंपनी में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। पहला बर्ड रॉबर्स के माहौल में रहा और उसने वही सीखा, दूसरा बर्ड आश्रम के माहौल में रहा और उसने वही सीखा। तो हमारे लिए इसमें ये लर्निंग है कि हमें अपने फ्रेंड सर्कल को सोच समझ कर चूज करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है। हमें अपने घरों का माहौल क्या करना चाहिए? अच्छा बनाना चाहिए, ताकि उस माहौल में जो बच्चे पले बढ़े वो अच्छा ही सीखे। क्योंकि आपको पता है कि जिन घरों में अच्छा माहौल नहीं होता है वहां जो बच्चा जन्म लेता है या पलता पड़ता है वो भी वैसा ही बन जाता है। हम जहां भी रहें वहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारे दोस्त अच्छे हों, हमारे साथी अच्छे हों, तो हम अच्छाई को पिक करेंगे और अच्छाई को लर्न करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जिस माहौल में हम रहते हैं। क्या आप इस बात पर अपनी आइंदा जिंदगी में अमल करोगे? यस सर। अपने माहौल को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो थैंक यू कि आपने इस स्टोरी का एंजॉय किया। यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।